सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद आज हम पढ़ेंगे। तृतीय पाद में आकाश आदि जो पांच भूत हैं और इंद्रिय और मन आदि जो हैं इनकी उत्पत्ति और लय के बारे में हमने पढ़ा, सृष्टि की रचना और सृष्टि का लय। और जीवात्मा जो है वो अनुत्पत्ति धर्म वाला है और अणु परिमाण वाला है, वो ये भी हमने पढ़ा। अणु परिमाण वाला है, नित्य है, चेतन है, अल्पज्य है और कर्मों का कर्ता भी है और भोक्ता भी है। क्योंकि भोक्ता है ये तो सभी दर्शनों ने एक तरफ से माना, सांख्य दर्शन ने भी क्या माना, चिदवसाना भोगा, भोग जो है वो चेतन पर्यंत हैं, तो जो भोक्ता है वही कर्ता भी होना चाहिए। तो ये वेदांत ने बताया कि वो सब कर्मों का कर्ता भी है और भोक्ता भी है। अब चतुर्थ पाद में हम पढ़ेंगे शरीरे प्राण इंद्रियाणाम उत्पत्ति अपि, उत्पत्ति अपि ईश्वर कृता। ये प्रसंग ऐसे चलेगा कि ये जो सृष्टि क्रम दिखाया था सत्व रजसाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतिर्मान मैं तो हंकारो जो है पंचविंशतिर्गण, तो यहाँ कहीं प्राण की चर्चा नहीं की। और इन्होंने जो तृतीय पाद में जो प्रथम सूत्र में बताया था एतस्माद् आत्मनः आकाश आकाशाद् वायो ऐसे बताया था ना जो उत्पत्ति का क्रम, उसमें भी कहीं प्राण का जिक्र तो नहीं है। तो इसलिए इनके पूर्व पक्षी के मन में ये आया कि ये प्राण की उत्पत्ति हुई भी कि नहीं हुई, क्योंकि कहीं भी उत्पत्ति क्रम में इसका जिक्र नहीं किया। तो इसमें बताएंगे चतुर्थ पाद में शरीरे शरीर में प्राण इंद्रियाणाम उत्पत्ति अपि ईश्वर कृता, प्राण और इंद्रियों की, कहीं कहीं तो प्राण से इंद्रियों का ही ग्रहण हुआ है और कहीं कहीं तो इंद्रियों का अलग नाम लिया है और प्राण का अलग लिया है, लेकिन ये दोनों ही क्या हैं, ईश्वर कृत हैं। मुख्य प्राणस्य इंद्रियेभ्यो भिन्नत्वम, और इसी पाद में जो मुख्य प्राण है उसका इंद्रियों से भिन्नत्व भी दर्शाया गया है। उभयेषां च आत्मसाधनत्वम, इंद्रियां और प्राण ये दोनों ही आत्मा के साधन हैं, ये इसमें दिखाया है चतुर्थ पाद में। शरीरम भूत परिणामः, और शरीर क्या है, पांच भूतों का परिणाम है। तत्राधिक्यत आधिक्यात तथा विधस्य तस्य नाम व्यवहार, और उन भूतों में जिसमें जिस भूत की अधिकता है, जैसे चक्षु इंद्रिय में तेज की अधिकता है तो इसलिए उसको चक्षु कह दिया, तो ऐसे ही कहें उसमें कम ज़्यादा भी है तो उसी प्रकार से उनका नाम और उनका व्यवहार भी है। तो ये हम चतुर्थ पाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ चतुर्थ पाद के प्रथम सूत्र में सूत्रकार कह रहे हैं तथा प्राणाः, तथा यथा आदि शब्द तब आते हैं जब अपने से पीछे की कोई बात चल रही है उसका ग्रहण करवाना होता है। तो तृतीय पाद में प्रथम सूत्र में ही क्या लेके चले थे, ये निकालो प्रथम सूत्र। प्रथम सूत्र में इन्होंने उत्पत्ति के बारे में बताया था, हैं? हाँ, व्यत आदि जो आकाश आदि हैं उनकी उत्पत्ति तो इसका कोई प्रमाण ही नहीं मिलता ऐसे कहा था। तो दूसरे सूत्र में बताया अस्ति तु है तो उनका प्रमाण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये है। और अगला क्या बताया था, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मने आकाश संभूत ये दिया था ना।
तैत्तिरीय उपनिषद का, तो यहाँ पर इन्होंने बताया था कि आकाश आदि की उत्पत्ति, जो पांच भूतों की उत्पत्ति हुई है, ये उस परमात्मा से हुई, ऐसे इन्होंने बताया था। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं तथा प्राणः, ऐसे ही प्राणों की उत्पत्ति भी उस ब्रह्म से ही हुई, ईश्वर से ही हुई। ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि यहाँ कहीं किसी के मन में ये शंका ना हो कि वो जो सृष्टि का क्रम बताया, जैसे यहाँ पर ही इन्होंने ये छठे सूत्र के भाष्य में 130 पेज पे ऊपर ही कहा ना, एतस्माद् आत्मनः आकाशे संभूत, आकाशाद् वायु, वायोरग्नि, अग्ने आपः, अद्भ्य पृथ्वी। तो यहाँ पर कहीं भी प्राण का जिक्र नहीं आया ना। आत्मनः मतलब परमात्मनः, उस परमात्मा से पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से फिर वायु, वायु से अग्नि, और अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद ये अन्न आदि सब उत्पन्न हुई, ये सृष्टि का क्रम बताया। तो यहाँ पर उसी को लेकर के कह रहे हैं तथा प्राणाः, वैसे ही प्राण। यहाँ यद्यपि सूत्र में प्राण का मतलब है इंद्रियाँ, इंद्रियों की उत्पत्ति भी उस ब्रह्म से ही हुई। भाष्य देखिए, प्राणाः अत्र इंद्रियाणि लक्षन्ते, प्राण जो बहुवचन में कहा है तो ये इंद्रियों को लक्षित कर रहा है। कैसे प्राणों को भी इंद्रिय कब कहा जाता है, तो इसका एक उदाहरण दे रहे हैं। अथ प्राणा अहम श्रेयसी व्युदिरे, अहम श्रेयान अस्मि, अहम श्रेयान अस्मि इति, तो ये आता है ना उसमें उपनिषद में, इंद्रियों ने अपने आप को कहा कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। प्राणा मतलब यहाँ पर इंद्रियाँ। अथ प्राणा अहम श्रेयसी व्युदिरे, इंद्रियों ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसे उनमें एक बार झगड़ा हो गया। ते है प्राणाः प्रजापतिम पितरम एत्य ऊचुहु, तो वो सारे प्राण माने इंद्रियाँ, वो सारी इंद्रियाँ प्रजापति पिता के पास जा कर के उन्होंने कहा कि आप ही इसका फैसला करो कि हमारे में से श्रेष्ठ कौन है। तो जैसे छोटे बच्चे झगड़ते हैं तो पिता के पास जाते हैं, तो ऐसे ही इंद्रियों ने आपस में झगड़ा करके मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसा करके फैसला हुआ नहीं, तो फिर बोले प्रजापति के पास ही चलते हैं जिन्होंने हमें बनाया है, तो वो ही बताएंगे कि हमारे में से श्रेष्ठ कौन है। तो पिता के पास जाके इन्होंने पूछा तो पिता किसको श्रेष्ठ बताएंगे? पिता बच्चों के सामने बता सकते हैं क्या कि तुम्हारे में से ये श्रेष्ठ है और ये अश्रेष्ठ है, ऐसे बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं, हो तो भी नहीं बता सकते हैं। पहले तो उनकी दृष्टि में होता ही नहीं है श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ, और हो तब भी नहीं बता सकते हैं। तो प्रजापति ने कहा कि तुम्हारे में से एक एक चले जाओ और तुम्हारे बिना काम चल जाए तब तो तुम सामान्य हो, और भाई तुम्हारे बिना काम ना चले तो तुम विशेष हो। तुम्हारे में से जिसके बिना काम ना चले वो सबसे श्रेष्ठ, तो फैसला खुद ही कर लो। तो ये समझदार पिता की पहचान है। तो फिर चक्षु गई, बोल मैं देखती हूँ, अगर मैं ना हूँ तो सारा संसार जो है अंधकार से भर जाए, कुछ दिखे नहीं, कोई व्यवहार ना चले। तो वो एक साल तक निकल के चली गई चक्षु इंद्रिय, और एक साल के बाद लौटी तो उससे पूछा कि भाई मेरे बिना कैसे काम चला आपका? बोले जैसे सूरदास लोग अपना काम चलाते हैं वैसे हमने भी चला लिया। तो फिर वो शांत हो गई। तो ऐसे एक एक इंद्रिय गया, श्रवण इंद्रिय गई कि मैं यदि ना सुनूं, बिना सुने तो कोई काम व्यवहार चलेगा ही नहीं। तो वो भी एक साल बाद लौट आई, बोले जैसे बहरे लोग रहते हैं वैसे हम भी रहे। तो ऐसे सब इंद्रियां जा जा करके वापस आ गई और सबके बिना काम चल गया। लेकिन जब प्राण निकलने लगे तो सब इंद्रियों ने कहा कि आप मत जाओ, आपके बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो सारी इंद्रियां जो हैं ये क्या हैं? प्राण ही हैं। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ ना कि प्राणायाम करने से केवल जो हम श्वसन क्रिया है वो ही पुष्ट होती है, ऐसा नहीं है। सारी इंद्रियों की शुद्धि प्राणायाम से ही होती है, क्योंकि प्राण के बल से ही ये इंद्रियां अपना काम कर रही हैं। हम आँख से अच्छा देखते हैं या बुरा देखते हैं ये प्राण की शुद्धि और अशुद्धि पे डिपेंड करता है। जिसका जितना ज़्यादा प्राण शुद्ध होगा उसकी उतनी ज़्यादा दृष्टि शुद्ध होगी। हम कान से क्या सुनना पसंद करते हैं ये प्राणायाम पे डिपेंड करता है। जो व्यक्ति 2-2.5 घंटे प्राणायाम करेगा ना वो बुरा सुनना ही नहीं चाहेगा। हमारी वाणी झूठ बोलती है, कठोर बोलती है, इस बात पे डिपेंड है कि हम प्राणायाम करते हैं कि नहीं।
ढाई तीन चार घंटे प्राणायाम करेगा वो व्यक्ति कठोर नहीं बोलेगा, असत्य नहीं बोलेगा। सारी इंद्रियों की शुद्धि प्राणायाम पे डिपेंड करती है, क्योंकि प्राण ही इनके माध्यम से कार्य कर रहा है। तो वही वाली कथा यहाँ इन्होंने बताई है। सारी इंद्रियों की शुद्धि के लिए एकमात्र साधन क्या है? बोल तो जोर से लो, मत करना कोई बात नहीं, नहीं करना है तो सारी इंद्रियों की शुद्धि के लिए क्या साधन है? कितनी देर करना चाहिए? कम से कम एक घंटा स्वस्थ व्यक्ति के लिए, दो घंटा साधक के लिए, तीन घंटा योगी के लिए। ऐसे उसकी मात्रा जितनी बढ़ाते जाओगे लाभ मिलता जाएगा। तो कह रहे हैं प्रजापति पितरम एत्य ऊचु इति प्रकृत्य, तो इसका आश्रय लेकर के सा है वाक उच्चक्राम। तो ये उसको संक्षेप में दे रहे हैं कि वो वाणी उच्चक्राम है, निकल गई फिर आ गई। चक्षुर है उच्चक्राम है, उसके बाद चक्षु चला गया, उसके बाद श्रोत्रम है उच्चक्राम, श्रोत्र भी चला गया, सारे चले गए और सब वापस आए, सबके बिना काम चल गया। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं ये कि यहाँ से प्राण से क्या लिया गया है? इंद्रियाँ, बस इतना बताना चाह रहे हैं कि प्राणों को ही इंद्रिय भी कहा जाता है। आगे कहा वैसे ही, तथा वैसे ही यह एष विज्ञानमय पुरुष तदेशाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय यह एषो अंतर हृदय आकाश तस्मिन छेते। एक और बृहदारण्यक का प्रमाण दे रहे हैं, यह एष विज्ञानमय पुरुष, ये जो विज्ञानमय पुरुष है अर्थात आत्मा, ये क्या करता है? यह एष विज्ञानमय पुरुष तदेशाम प्राणानाम इन प्राणों का विज्ञानेन ज्ञान से, विज्ञान से विज्ञानम आदाय उस विज्ञान को लेकर के, यह एष अंतर हृदय ये जो अंतर हृदय है, अंतर हृदय आकाश है, अंतर हृदय में जो आकाश है तस्मिन् छेते उसमें जाके सो जाता है। रात के समय यहाँ प्राणानाम से क्या लिया गया है? इंद्रियां, क्योंकि ज्ञान किससे होता है? हमें इंद्रियों से ही तो होता है। तो प्राणानाम विज्ञाने ने ऐसे कहा, प्राणानाम का मतलब हुआ इंद्रियाणाम विज्ञाने ने, इंद्रियों के विज्ञान से विज्ञानम आदाय विज्ञान को ले लेता है, उस सारे ज्ञान को ले लेता है और उसको लेकर के सारे ज्ञान को और अंतर हृदय में जो आकाश है उसमें जाके सो जाता है। तो इसलिए इंद्रियों को ज्ञान नहीं होता है। रात को सोते समय आँख देख नहीं सकती है, कान सुन नहीं सकते हैं, वाणी बोल नहीं सकती है। तो ये क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इनका जो ज्ञान शक्ति थी उसको लेकर के वो आत्मा विज्ञान में पुरुष और वहाँ जाके सो गए अंतर हृदय आकाश में। तो ये अपना काम कैसे करें? पीछे भी आई थी ना ये बात। और रात भर वहाँ रह करके, परमात्मा के साथ रह करके, ब्रह्म के साथ रह करके, वहाँ से इनको शक्ति से संपन्न करके फिर सुबह बाहर निकल करके आता है। तो इसलिए सुबह सारी थकान मिट के इंद्रियाँ फ्रेश मिलती हैं। जो आँखें थक गई थी, कान थक गए थे, वाणी बोलते हुए थक गई थी, वो सुबह उठ के फिर बोलने लग जाती है। तो यहाँ भी क्या कहना चाह रहे हैं? प्राणानाम विज्ञानेन, यहाँ प्राणानाम का मतलब क्या है? इंद्रियाणाम। तो प्राण शब्द से इंद्रियों का ग्रहण होता है, यही कह रहे हैं। इंद्रियाणाम विज्ञानम, इंद्रियों का विज्ञान क्या है? गंधादिकम, गंध रस रूप स्पर्श आदि, यही तो इनका विज्ञान है ना। तो कह रहे हैं गंधादिकम आदाय इति कथनात्, गंधादि को लेकर के वो अंदर चला जाता है इस कथन से। तो कहा सूत्रे, इस सूत्र में तथा शब्द, जो तथा शब्द कहा, तथा प्राणाः ऐसे कहा ना, तो तथा शब्द उत्पत्ति क्रम पराम उपमाम आह, तत्र उत्पत्ति क्रमे प्राणा खलु उपमीयन्ते व्यदादि भी उत्पत्तिम अद्भिः। तो कह रहे हैं यहाँ सूत्र में जो तथा शब्द कहा है ये उत्पत्ति क्रम की जो परता है उसकी उपमाम आह, उसकी उपमा को कह रहा है। जो उत्पत्ति का क्रम बताया था तृतीय अध्याय के पहले दूसरे सूत्र में, तो उसकी उत्पत्ति क्रमम, उत्पत्ति क्रम अपराम उपमाम आह, दूसरी उपमा, उपमा किससे दी गई है? इंद्रियों की उपमा प्राण से दी गई है।
तो उसको कह रहा है। तत्र उत्पत्ति क्रमे, वो जो उत्पत्ति क्रम है उसमें प्राणा खलु उपमीयन्ते, प्राणों की को उपमीयन्ते, उपमित किया जा रहा है, प्राणों की उपमा दी जा रही है इंद्रियों के लिए। क्या कहा जा रहा है? व्यदादि भी उत्पत्ति ही उत्पत्ति मत भी ही, व्यतादि, व्यत माने आकाश, आकाश आदि क्या हैं? उत्पत्ति मत भी उत्पत्ति वाले हैं। जैसे आकाश आदि पंचभूत उत्पत्ति वाले हैं, वैसे ही ये प्राण, प्राण माने इंद्रियां, इंद्रियां भी उत्पत्ति धर्म वाली हैं और ब्रह्म ने ही उनको उत्पन्न किया है। यतो ही अनंतरो अतीतः पाद उत्पत्ति प्रकरण कह आसीत, यतो ही क्योंकि अनंतरो अतीतः पाद, इसके ठीक पहले वाला, अनंतर माने पहले वाला भी होता है और अनंतर मतलब बाद वाला भी होता है, तो अनंतर अतीत कहा तो इसका मतलब इससे ठीक पहले अर्थात तृतीय पाद, अनंतरो अतीतः पाद उत्पत्ति प्रकरण का आसीत, उत्पत्ति प्रकरण वाला था इससे ठीक पहला पाद तृतीय पाद। तत्सन्निहिता अन्य पाद प्रारंभे अपि उत्पत्ति विषयतया भवितव्यम्, तो कह रहे हैं उसके साथ सन्निहित होने के कारण जो अन्य पाद है अर्थात चतुर्थ पाद है उसमें जो तथा शब्द कहा है पाद प्रारंभे अपि, तो उस पाद के प्रारंभ में भी उत्पत्ति विषयता भवितव्यम्, उत्पत्ति विषयता ही होनी चाहिए उसमें भी। तस्माद् अत्र प्राणानाम उत्पत्तित्वम् अभिलक्ष्य उपमानम अभिहितम्, तो इसलिए यहाँ पर प्राणानाम उत्पत्तित्वम्, प्राणों की अर्थात इंद्रियों की उत्पत्तित्व को अभिलक्ष करके उपमानम अभिहितम्, यहाँ उपमा दी गई है प्राण से इंद्रियों की। यथा व्यदादयः उत्पत्तिमन्तः तथा प्राणः, प्राणा मतलब इंद्रियाणि अपि उत्पत्तिमन्ति, जैसे व्यत आदि भूत, आकाश आदि भूत जैसे उत्पत्ति वाले हैं, तथा वैसे प्राणः, प्राणः मतलब इंद्रियाणि अपि, वैसे ही इंद्रियां भी उत्पत्तिमन्ति, उत्पत्ति धर्म वाली हैं, इंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं। आगे कहा गौण्या संभवात, अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कहे कि देखो यहाँ पर तृतीय पाद में तो कहीं इंद्रियों का या प्राणों की उत्पत्ति का जिक्र आता नहीं है, ये उस वाक्य को लेकर के कह रहे हैं तस्माद् एतस्माद् आत्मनः आकाश, आकाश वायु आदि को लेकर, तो वहाँ तो प्राण या इंद्रिय शब्द आया ही नहीं, और अन्यत्र यदि कहीं इंद्रिय आदि का वर्णन आता है उत्पत्ति का तो बोले उसको हम गौण मान लेते हैं, क्योंकि मुख्य उत्पत्ति यदि ब्रह्म से होती इंद्रियों की तो इस सृष्टि क्रम में उनका कथन करना चाहिए था, ना तो सांख्य में उसका जिक्र किया है, सांख्य में यद्यपि किया है लेकिन वो देखे को अनदेखा कर रहा है, वहाँ पर तो कहा ना अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम कहा है वहाँ पर तो, और यहाँ तो किया ही नहीं यहाँ पर वेदांत में, तो इसलिए कह रहे हैं जहाँ कहीं इनका उत्पत्ति का जिक्र आता है तो वहाँ उसको हम गौण मान लेते हैं, वास्तव में इंद्रियों की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई ही नहीं ऐसा मान लेते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी का अंतर्भावित कथन है। तो उसका उत्तर देते हुए सूत्रकार कह रहे हैं गौण्या संभवात, इंद्रियों की उत्पत्ति गौण नहीं हो सकती है, जहाँ कहीं इंद्रियों की उत्पत्ति का प्रसंग चला है वहाँ पर वो मुख्य उत्पत्ति ही है, गौण नहीं है। प्राण यहाँ इंद्रियों के लिए ही कहा है, ठीक है, तो कहा गौण्या संभवात, गौण्या असंभवो गौणी असंभवः षष्ठी तत्पुरुषः, माने गौणी के असंभव होने से, ठीक है, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो रहा है। यदि केनचित उच्चेत यत प्राणानाम उत्पत्ति यत्र क्वचित श्रूयते, ये इसको बड़ा ऊ कर लीजिए, श्रूयते नहीं है श्रूयते, सा गौणी न मुख्या, कह रहे हैं यदि केनचित उच्चेत, यदि कोई व्यक्ति कहे, यदि पूर्व पक्षी ये बात कहे कि यत प्राणानाम उत्पत्ति इंद्रियों की उत्पत्ति यत्र क्वचित श्रूयते, जहाँ कहीं सुनाई भी देती है श्रुति में या स्मृति में कहीं सुनाई भी देती है, तो सा गौणी, वो गौण उत्पत्ति है, न मुख्य, मुख्य उत्पत्ति नहीं है, क्यों नहीं है,
यतो व्येतादीनाम उत्पत्ति प्रकरणे न किल प्राणानाम उत्पत्ति प्रदर्शिता, क्योंकि जो सृष्टि क्रम में आकाश आदि की उत्पत्ति का जो प्रकरण है उसमें इंद्रियों की उत्पत्ति तो दिखाई नहीं। किसको लेके कह रहे हैं ये? इस वाक्य को लेके कह रहे हैं, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाश संभूत है। बोले देखो शास्त्र में तो ये दिखाया है सृष्टि का क्रम कि उस परमपिता परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाशात वायु हु, और आकाश से फिर वायु की उत्पत्ति हुई, वायु और अग्नि, अग्ने आपह, अद्भ्यह पृथ्वी, पृथिव्याह औषधय। तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से औषधियाँ, और औषधिभ्यो अन्नम, औषधियों से अन्न की उत्पत्ति हुई, अन्नात पुरुष है, और अन्न से पुरुष। तो यहाँ अन्न से पुरुष का मतलब क्या है? पुरुष का अर्थ क्या होता है वैसे? आत्मा होता है, पुरुष मतलब आत्मा। तो अन्न से आत्मा की तो उत्पत्ति होती नहीं है, तो यहाँ पुरुष का मतलब क्या है? शरीर। तो ये भी गौण प्रयोग है अपने आप में। तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि देखो ये जो उत्पत्ति का क्रम है इसमें कहीं भी प्राण या इंद्रियों का नाम तो आया ही नहीं। अगर प्राण और इंद्रियां भी ब्रह्म से उत्पन्न होते होते तो यहाँ उनका जिक्र होना चाहिए था, जिक्र नहीं है। इसलिए अन्यत्र भी कहीं यदि उनकी उत्पत्ति का प्रकरण आता है तो उसको गौण समझ लेना चाहिए, मुख्य नहीं समझना चाहिए। तर ही सा न गौणी कल्पनिया, करें तो भी इस वाक्य में उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती, इस वाक्य में यद्यपि प्राण या इंद्रिय का जिक्र नहीं आया है तो भी तर्री सा न गौणी कल्पनिया, वो जो उनका उत्पत्ति दिखाई देती है अन्यत्र उसको गौण नहीं मानना चाहिए, मुख्य ही मानना चाहिए। कुतः, क्यों मानना चाहिए? तस्या गौण्या गौणी कल्पनाया असंभवात, इंद्रियों की उत्पत्ति की गौण कल्पना के असंभव होने से, वो गौण हो ही नहीं सकता है। कथम असंभवत्वम, कैसे असंभव है वो गौणी कल्पना? कहा यत तत्रैव वचने यद गौणी साधनाय अवलंबते, कह रहे यही देख लो आप, तत्रैव वचने, जिस वचन का आप उदाहरण दे रहे हैं ना कि भाई इस वचन में इंद्रिय और प्राणों की उत्पत्ति का कोई जिक्र ही नहीं हुआ, यहाँ पर ही यद तत्रैव वचने यद गौणी साधनाय अवलंबते, माने जिस वाक्य को आप साधन बना रहे हैं ना, तो वहाँ पर ही गौणी सिद्ध करने के लिए अवलंबते, गौण कहना होता तो यहाँ पर ही ये जैसे पुरुष है कहा, तो ये पुरुष का कथन क्या है यहाँ पर? गौण ही है, अन्नात पुरुष है इति शरीरम। जैसे इस वाक्य में कहा कि अन्न से पुरुष की उत्पत्ति हुई, तो पुरुष यहाँ पर क्या है? गौण कथन है। पुरुष का मतलब तो आत्मा होती है, और आत्मा तो अन्न से उत्पन्न होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पुरुष का गौण कथन है। पुरुष का मतलब है यहाँ पर शरीर, पुरुषे इति शरीरम, यहाँ पुरुष से शरीर का कथन किया है। शरीरस्य उत्पत्ति विहिता एव, तो शरीर की उत्पत्ति तो बता दी ना इस वाक्य में, अन्नात पुरुष है माने अन्नात शरीर है, ये शरीर की उत्पत्ति तो बताई दी ना। और शरीर क्या होता है? तो शरीर का न्याय दर्शन का प्रमाण दे दिया, शरीरम ही खलु प्राणानाम इंद्रियाणाम आयतनम। शरीर क्या है? प्राणों का और इंद्रियों का आयतन है। तो ये क्या कहा? चेष्ट इंद्रियार्थाश्रय शरीरम, न्याय दर्शन में कहा चेष्टाओं का, इंद्रियों का, और इंद्रिय के जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस आदि, उनका आश्रय, उनका आयतन, ये क्या है? शरीर। तो बोले इस वाक्य में जो पुरुष कहा है अन्नात पुरुष, तो पुरुष कहने से शरीर का कथन हो गया, और शरीर का कथन होने से इंद्रियों का कथन हो गया, तो मुख्य ही उत्पत्ति में आ गए ना ये, तो गौण तो हो ही नहीं सकता है, मुख्य वाक्य में ही आ गया है, ऐसे कह रहे हैं। तस्मात् प्राण आयतनस्य शरीरस्य उत्पत्तिमत्वात् प्राणानाम अपि उत्पत्ति सुतराम स्पष्टा भवति, इसलिए कह रहे हैं प्राण आयतनस्य शरीरस्य, इन प्राणों का, प्राण का मतलब प्राण और इंद्रियां दोनों,
प्राण और इंद्रियों का आयतन जो शरीर है उसका यहाँ पर जिक्र हो गया, तो इसलिए तस्मात प्राण आयतनस्य शरीरस्य उत्पत्ति मत्वात्, प्राणों और इंद्रियों का जो आयतन है शरीर उसके उत्पत्ति धर्म वाला होने से प्राणानाम अपि उत्पत्ति, तो प्राणों की उत्पत्ति भी होगी शरीर के साथ साथ ही, क्योंकि शरीर है ही क्या, प्राण इंद्रियों का आश्रय, तो उसकी उत्पत्ति बता दी तो इंद्रियों की और प्राणों की उत्पत्ति भी बता दी। सुतराम स्पष्टा भवति, बिल्कुल स्पष्ट है, आप कह रहे हैं ना कि उत्पत्ति क्रम में उसका कहीं जिक्र ही नहीं किया, तो इसलिए हम उसको नहीं मान सकते हैं। तस्मात् प्राणानाम उत्पत्ति क्वचित श्रुति वचने अनुक्ता गौणी न मंतव्या, तो इसलिए कह रहे हैं अन्यत्र कहीं प्राणानाम उत्पत्ति, प्राणों की उत्पत्ति अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति क्वचित श्रुति वचने अनुक्ता, कहीं श्रुति वचन में अनुक्त भी है, मान लो नहीं भी कही है, जैसे कि इस वचन में नहीं कही है, तो भी गौणी न मंतव्या, तो भी उसको गौण नहीं मानना चाहिए, शरीर कह दिया तो इंद्रियों की उत्पत्ति भी कह ही दी। गौणी न मंतव्या गौण्या खलु असंभवात, उस उत्पत्ति के गौण असंभव होने से, गौण कथन के असंभव होने से। तत्प्राक्श्रुतेश्च, और कह रहे हैं कि तत्प्राक, तत्प्राक माने वो जो आकाश आदि हैं उनसे पहले इंद्रियों की उत्पत्ति श्रुते है सुनी जाती है, और चकार से स्मृति भी ले लिया जाएगा, श्रुति और स्मृति में जो आकाश आदि की उत्पत्ति बताई है उससे पहले इंद्रिय और प्राणों की उत्पत्ति भी कही गई है, क्योंकि ये एक वाक्य का आश्रय लेकर के कह रहे हैं कि यहाँ इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं बताई इसलिए उत्पन्न हुई ही नहीं, तो बोले अन्यत्र तो श्रुति स्मृति में सब जगह आया है ना इसकी उत्पत्ति का कथन, तो इसलिए आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि उसका कहीं कथन ही नहीं किया। तत्प्राक श्रुतेश्च, तत्प्राक मतलब तेभ्यः व्यतादिभ्यः पूर्वं च प्राणानाम उत्पत्ति विषयपरायाः श्रुते हेतोश्च, वो जो व्यतादि आकाश आदि हैं उनकी जो उत्पत्ति है उनसे पहले, पूर्वं च प्राणानाम उत्पत्ति विषयपरायाः, उनसे पहले इंद्रियों की उत्पत्ति विषयक प्रकरण श्रुते हेतोश्च, वो मिलता है और उसमें श्रुति हेतु है, श्रुति में उसका प्राण है। चकारात स्मृतेश्च, और जो सूत्र में श्रुतेश्च चकार है ये स्मृति का ग्रहण करवा रहा है, तो श्रुति में भी इसका वर्णन मिल जाता है आकाश आदि से पहले प्राणों की उत्पत्ति का, और स्मृतियों में भी मिल जाता है चकार से। चकारात स्मृतेश्च हेतोरपि प्राणानाम उत्पत्ति स्वीकार्या श्रुतिस्तावत, श्रुति में कहाँ है, तो मुंडक उपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, उस ब्रह्म से ही, एतस्मात् ब्रह्मणात् जायते प्राणः, तो सीधा ही प्राण कह दिया ना और मन कह दिया, और सर्वेन्द्रियाणि च, तो अब यहाँ पर तीनों का ग्रहण कर दिया, प्राण मन और इंद्रियां, तो अब यहाँ प्राण से क्या लिया जाएगा, प्राण ही लिया जाएगा, क्योंकि इंद्रियों का अलग कथन कर दिया, ऊपर जो है प्राण से इंद्रियों का ग्रहण हो रहा था, लेकिन यहाँ तीनों अलग अलग कह दिए, ऊपर प्राण कहने से इंद्रिय और मन, क्योंकि मन भी अंत इंद्रिय है उसका कथन हो रहा था, पर यहाँ सबको अलग अलग कह दिया, तो यहाँ प्राण से फिर मुख्य प्राण को लिया जाएगा। तो इस सूत्र को फिर कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया तो दोबारा से पढ़ लेंगे, आज ही विराम लेते हैं। शांति 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 ही, श्री गुरुभ्यो नमः।